आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। बापू की यादों को हर जगह लोगों ने संजो कर रखा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के टारसी शहर में भी बापू की कुछ यादों को संजो कर रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इटारसी भी आए थे। इतना ही नहीं, एक दिन यहाँ धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी 30 नवंबर 1933 को ट्रेन से वर्धा से इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तब वह स्टेशन के ठीक सामने बनी सेठ लक्ष्मी चंद गोठी धर्मशाला में रुके थे। यहाँ उन्होंने एक रात भी गुजारी थी। सबसे खास बात कि इस धर्मशाला और इटारसी की उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। गांधी जी ने धर्मशाला में रखे रजिस्टर में प्रशंसा करते कुछ लाइनें भी लिखी थी। कहा था कि इस धर्मशाला में हरिजनों को आश्रय दिया जाता था। तब महात्मा गांधी ने इन हरिजनों के लिए कहा था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जब एक रात के लिए गोठी धर्मशाला रुके, तो उन्हें पता चला था कि इस धर्मशाला में हरिजनों को आश्रय दिया जाता है। उन्हें इस बात की बहुत ही खुशी हुई और धर्मशाला की प्रशंसा रजिस्टर में की थी। यहाँ उन्होंने एक सभा का भी आयोजन किया था, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। नर्मदापुरम जिले की टारसी में जिस धर्मशाला में वे रुके थे, आज भी वहाँ उनके हाथों से लिखा पत्र धर्मशाला में फ्रेम कर लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, धर्मशाला में आज भी उनके रुकने के संस्मरण और यादें सहेज कर रखी गई हैं। आपको बता दें, गोठी धर्मशाला के इस कक्ष को बापू प्रवास स्मृति कक्ष बनाया गया है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रुके थे। यहां गांधी के जन्म से लेकर बाद तक के फोटो सहित अन्य सामग्री भी लगाई गई है।